अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ चिकन एंड वेजिटेबल चैम सैंडविचेस। तो इसमें हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या चाहिए। ब्रेड चाहिए हमें, आप एक ब्रेड ले लें। ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं 8-10 लिए हैं मैंने, 10 स्लाइसेस ब्रेड के हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट है, आप अपने सॉल्ट अपनी चॉइस से करिएगा कितना डालना है। ब्लैक पेपर है इसके अंदर 1 टीस्पून है। ये मेरे पास ग्रीन कलर के ऑलिव्स हैं, ये मैंने थोड़े से ले लिए हैं। और आपके पास कैरेट है, क्रश कैरेट, कद्दूकश कर लें कैरेट को। कैरेट है, मैंने एक कैरेट ली है बड़े साइज़ की। और इसमें वो है कैबिज है, कैबिज जी हमने लिए एक, मैंने छोट बस एक बॉल ले लें, एक बॉल कैबिज ले लें, एक बॉल ये ले लें। और इसमें चिकन जाएगा, एक बॉल चिकन जाएगा। 3 टेबल स्पून इसमें कैचअप है और 1 टेबल स्पून इसमें चिली गार्लिक पेस्ट है। और होममेड, आप मेरा मायोनीज का वो दे वीडियो चेक कर लीजिएगा, होममेड जो मेरी ये वीडियो है इसकी मायोनीज की, ये वो है। ये बड़ी जल्दी है रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी बच्चों के लिए। जैसे आपको सुबह करना है तो चिकन आप बॉयल करके रखें, मैं तो सारी चीज़ें फ्रीज कर देती हूँ ताकि जो भी चीज़ बनानी है तो चिकन भी बॉयल करके रखें। वेजिटेबल अगर आपके पास कटी हुई है तो बहुत जल्दी से ये बन जाएगा। तो आप इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले तो हम इसके अंदर मायोनीज डालते हैं अपने, मायोनीज चली गई हमारी। कैबेज बन गई चली गई, इसमें चिकन चला गया हमारा, इसमें बॉयल चिकन है। कैरेट चली गई, चिली सॉस चली गई, गार्लिक चिली सॉस, टमाटो केचप चली गई इसमें, सॉल्ट चला गया, चिली चली गई, ब्लैक पेपर चला गया और ऑलिव्स को आप ऐसे सारा हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। ये जी देखें हमारा जितना भी इसका वो है मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। ये देखें ऐसा हो गया है, इतना थिक हो गया, ये इतना थिक हो, ज़्यादा मायनेज नहीं कीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा लिक्विड फील होगा। तो अब मैं अपने जो हमारे ब्रेड है इसको मैं ग्रिलिंग पैन पे ना इसको ग्रिल के फेंक देते हैं, बाकी हम आपके सामने बनाती हूँ आज। ग्रिलिंग पैन पे हम जो है ऑयल डालते हैं, ऑयल डालने के बाद आप इसको ज़रा ताकि सब पैन पे ऑयल लग जाए। इस तरीके से आपने इसके इफेक्ट उसको वो देना है कि ग्रिलिंग के निशान आ पे आ जाए। ऐसे हम अपने सारे स्लाइसेस को इस तरह रेडी कर लेंगे। जी मैंने अपने स्लाइस जो हैं गरम कर लिए हैं। गरम करने के बाद इसे आप गरम गरम में ना रखिएगा ताकि आपकी जो इसमें मायोनीज है वो मेल्ट ना हो, ज़रा से ठंडे हो जाए फिर हम अपने इसमें स्टफिंग करते हैं, भरते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर सारे सैंडविचेस पे लगा लें। ऐसे सैंडविच पे लगाने के बाद इसके ऊपर एक और सैंडविच रखते हैं। रखने के बाद रखें
मैं अभी सारों पे लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, मैंने उसको डिश आउट कर लिए हैं सारे, मैंने उसको फिल करके बाद में सारे लगाने के बाद आपकी पूरी एक ब्रेड, इस जो भी मैंने आपको इसमें बताई हैं इंग्रेडिएंट्स, जो भी बताए मैंने आपको, 1 कप जितनी भी मेजरमेंट उसकी बताई है, वो आपकी एक ब्रेड के अंदर आपकी वो सारी हो जाएगी। तो एक ब्रेड जो है आपकी रेडी हो जाएगी। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ईजी है और बहुत जल्दी ये बन जाती है ये डिश ना। तो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है वो आप जल्दी से देख लेना। और दुआओं में जी याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।